हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर, जो संपूर्ण वर्ष में मात्र एक बार आती है, इस पूर्णिमा पर कौन कौन से महासंयोग बन रहे हैं, एक बात आपको जानकारी दे दूं मित्रों, वर्ष 2023 की ये आखिरी पूर्णिमा है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। इस पूर्णिमा पर बनने वाले जो महासंयोग हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, उन जो संयोग बन रहे हैं उन पर कौन कौन से महा उपाय अपना कर आप अपने जीवन के तनाव के साथ ही आने वाले समय में बहुत सारी जो बाधाएं आपके ग्रहों को लेकर कभी कभी आ जाती हैं, उन तमाम बाधाओं को आप खत्म कर सकते हैं वर्ष के अंत में। तो मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लाइव आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। चार महा उपाय आपके साथ साझा करूंगा, ग्रहों का आकलन करके चंद्र कुंडली के आधार पर आपको राशिफल देने की भी हमारी भरपूर कोशिश रहेगी, वो भी एक सटीक समय पर आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो मित्रों, शुरुआत आज भी कर लेते हैं अपने दिव्य महामंत्र से। ये आपके समक्ष है, आप इसे नोट करिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आज के दिन यानी कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर कमल गट्टे की माला, लाल चंदन की माला से आप उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके 108 बार जाप करें और देवी भगवती को इसी मंत्र का जाप करते हुए मात्र एक लाल गुलाब का फूल अर्पित कर दें, तो यकीन मान के चलिए मित्रों, आपको धन का लाभ होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आपके आजीविका में भी आपको उन्नति देखने के लिए जरूर मिलेगी। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। ये समय रहेगा दोपहर 12 से 1:30 के मध्य। तो भाई, आप चाहते हैं आपका कोई नया कार्य सफल हो जाए, वर्ष के अंत में यानी कि 2023 के जाते जाते कोई इस वर्ष में आपका पुराना पेंडिंग कार्य है, इस समय का सदुपयोग करिए, आपका कार्य हो सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के अशुभ काल अर्थात राहु काल से। दोपहर 3 से 4:30 के मध्य ये समय रहेगा। तो भाई, थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, कोई भी नया और शुभ कार्य बिल्कुल ना करिएगा। विषय की ओर आते हैं और हमने आपको पहले ही बता दिया है मित्रों कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं जो संपूर्ण वर्ष नहीं बन पाते हैं। वर्ष 2023 की आखिरी पूर्णिमा है ये, इस पर आप जो संयोग बन रहे हैं कुछ महा उपाय आप उन पर कर लीजिएगा ताकि संपूर्ण आने वाला वर्ष आपके लिए चमत्कारी जरूर साबित हो। तो भाई, कौन कौन से महासंयोग है आपको बताते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से आने वाली पौष पूर्णिमा तक यानी कि आज के दिन से आने वाले अगले 30 दिन तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का महावरदान भगवान विष्णु आपको देते हैं। इस बार जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है वो 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को है और इस दिन देवगुरु बृहस्पति, नोट कर लीजिए आप, देवगुरु बृहस्पति और भगवान सूर्य नारायण का नव पंचम योग बन रहा है, तो ऐसे में आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, शाम 5:51 तक आज भद्रा का साया भी रहने वाला है, तो थोड़ा सा कार्य में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। इस दिन सूर्य बुध की युति होगी और हर कार्य में आपको सफलता के साथ ही उन्नति का योग भी बनाता हुआ ये ग्रह दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका बहुत लाभ उठाना है। कोई भी पेंडिंग कार्य है इस समय आप जरूर करिएगा, लेकिन थोड़ा सा भद्रा का आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं कि भाई, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का कौन सा वो महा उपाय है जो आने वाले संपूर्ण 2024 में आपको जबरदस्त लाभ पहुंचा सकता है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि हो या फिर कोई भी व्रत विधान की बात करें तो आप सुबह के समय स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, एकदम से तैयार हो जाइए। एक स्टील या चांदी का लोटा आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी यानी कि जल भर लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, साबुत धागे वाली मिश्री और एक चम्मच उसमें गंगा जल मिलाइए। अब ये सारी सामग्री अपने कुलगुरु का, पितरों का, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके पीपल की जड़ में अर्पित करिए। जी हाँ, पीपल की जड़ में आप ये सामग्री अर्पित करिए। शाम के समय यानी आज शाम 5:51 के बाद
भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाएंगे। चाहे तो आप साबूदाने की खीर बनाइए, चाहे तो आप साबुत चावल की खीर बनाइए, लेकिन उसमें तुलसी डालकर ही आप भोग लगाइएगा। ऐसा ना हो कि आप तुलसी डालना भूल जाएं, ये गलती मत करिएगा। और जब आप ये भोग लगा दें, प्रसाद के रूप में मात्र थोड़ी सी खीर अपने घर पर रखिए और बाकी सारी खीर जो है वो जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा पूरी होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी उन्नति के मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सकते हैं इस छोटे से महा उपाय से, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ये उपाय अपनाने से। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि भाई 551 तक तो रहेगा भद्रा का साया। अब आप कहेंगे कि ज्योतिष गुरु ने ये तो बता दिया उपाय, लेकिन भद्रा में कैसे उपाय करें? तो भाई भद्रा खत्म होने के बाद आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप भद्रा के 108 नाम या भद्रा के मात्र 11 नामों का जाप करके भी आप अपने उपायों को आगे कैरी कर सकते हैं।